तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट की तरह दिखने वाली एक बहुत ही कमाल गेम, जो कि भाई साहब देखने में तो एकदम ही अजीब सी लगती है। मतलब माइनक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें तो हैं, साथ में कुछ एडवांस चीजें भी दे रखी हैं, और उसके जो एनिमल्स हैं माइनक्राफ्ट से बिल्कुल ही अलग है। यानी कि कुछ एडवांस चीजें दे रखी है जो कि भाई साहब एकदम टॉप नॉच है। तो चलो एक बार उस वाली गेम के अंदर भी जाके हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या से क्या होता है। और हाँ, एक बात और, जैसे कि तुम्हें पता होगा हमने अपने चैनल का जो लोगो है वो चेंज कर लिया, और उसी से रिलेटेड मैंने कस्टम थंबनेल बनाया जो कि डेस्कटॉप और अपने एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अगर तुम उसको डाउनलोड करके मेरे को एसएस भेजते हो, इंस्टा पे बकायदा टैग करते हो, तो भाई साहब अगली वीडियो में तुम्हारा शाउट आउट तो पक्का है, बकायदा तुम्हारा अकाउंट दिखा के। तो चलो अब एक काम करते, सीधा चलते हैं अपनी गेम की तरफ, क्योंकि उस वाली नई गेम को भी भाई साहब ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है हमारे माइनक्राफ्ट की तरफ, बट कलर और ब्लॉक्स थोड़े से चेंज है। एक बार तुम ये चेक करो, हमारे जो प्लेयर है वो एकदम ही भाई साहब स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह है, मतलब एकदम ही छोटी एज का। और जिस तरीके से माइनक्राफ्ट में हम अपना प्लेयर इधर से उधर फ्लाई करके ले जाते क्रिएटिव मोड में, इसका सीन कुछ अलग ही है। तो ये हमारा प्लेयर है फुल बढ़िया तरीके से भागता जा रहा है, और एक बार ये देखो बन गया ये सुपरमैन, यानी कि सुपरमैन की तरह एकदम हाथ यूं का आगे करके पूरा उड़ता जा रहा है। और एक बार तुम्हें एक चीज और दिखाऊं जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, जब ये एकदम फ्रंट उड़ता हो जाता है तो सब कुछ ठीक है, साइड बाय साइड हाँ ये भी ठीक ही है, लेकिन जब इसको एकदम बैक साइड ले जाते हैं यानी कि उड़ाते हो, तो एक बार ये देखो ऐसा लगता है कि हमने पूरी की पूरी वीडियो एकदम रिवाइंड कर दिया है, बट ये ही इसकी रियलिटी है। तो यार इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कमियां नहीं निकाल रहे, हम गेम कर रहे हैं। और एक सेकंड, अरे गाय तो देखो यार कितनी ज्यादा अलग है माइनक्राफ्ट से, अभी भाग कर ही है। पहले मैं अपना कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ, वरना गाय हम पकड़ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी। बकरी मिल गई और इसकी शक्ल देखो एक बार, अभी ये कैसी, अभी इधर देखना यार तू, एक तो सही टाइम पे ये जानवर देखते नहीं है, माइनक्राफ्ट में भी ये इसमें भी यही है, कुछ चेंज नहीं है। माइनक्राफ्ट में बस फर्क है ये है उसमें एकदम स्क्वायर टाइप में होती है, और इसमें भाई साहब थोड़ी सी कर्व में दे रखी है। और एक बार ये देखो इसकी आंखें कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, जैसे कि हमारे एनीमे होती है जापानीज कार्टून्स वगैरह में, कितने अच्छी तरीके से चलती है। मारू कैसे, ओ शिट शिट शिट, तो ये मुक्का मार दिया मैंने बड़ी तेज वाला। और एक बार तुमने इसका हाथ नोटिस करा क्या, इसका जो हाथ है वो एकदम रियलिस्टिक जैसा दे रखा है, माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक डब्बा होता है, बट इस वाली जो गेम में पूरा का पूरा भाई साहब डेडिकेटेड हाथ दे रखा है इस बंदे का। तो यार ये जो बकरी है ये तो बड़ी सही लग रही है मेरे को, तो एक काम करते हैं बकरी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हाँ, मैं तो वैसे भी मैं भूल गया, हम गाय ढूंढ निकले थे बट गाय तो हमें मिली नहीं, तो एक काम करते हैं अब अपना मिशन काओ एक्सप्लोर एक्स वो करते हैं। News, but I don't know, तो इस गेम में भी जैसे कि तुम देख सकते हो रात हो गई है, और रात होते के साथ ही तुम्हें देखने को मिलेंगे माइनक्राफ्ट में बहुत सारे अलग अलग क्रीपर्स, और उसी तरीके से इस गेम में भी यहाँ तक है कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा गेम खेलने में। तो रात हो गई है और एक सेकंड में कुछ तो मिला मेरे को, और ये सामने क्या, पहले मैं स्वॉर्ड ले लूं बढ़िया सी। तो मैंने अपने आगे के सफर के लिए बहुत सारी चीजें ले ली है, और ये हमारा बंदा है, देखो रात हो रही है फुल बढ़िया तरीके से, और चारों तरफ हमारे ज़ॉम्बी इजीली विजिबल हो रहे हैं अब हमें। और एक सेकंड, अबे पीछे क्या ये, तो कुछ हो ना हो मेरे को तो ये पक्का स्केलेटन लग रहा है, इसके पास जाते हैं अब, उड़ के जा, बहुत कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सुपर नेचुरल पावर से उड़ने वाली। और आगे नीचे, अभी पीछे रह के क्या, ओ ये देखो, और ये क्या ही चीज दे रखी है, ऐसा लग रहा है ऑयल पेपर से बनाया है स्केलेटन। खाना वाना नहीं मिलता क्या, हथियार तो बड़े सही लेके घूम रहा है, हैमर से मारू क्या, इसी खोपड़ी खोलता हूँ, कहाँ भाग रहा है ये देखो, हाथों उड़ा देखते डर गया। तो एक बार तुम ये देखो वही, और इसको सुर कैसे जिसकी बलून लगा रखा हो कोई, एक तो भाई साहब इसकी बेइज्जती हो रही है और ये भगे जा रहा है इधर आ तू, तो हथौड़े से तो यार ये मर ही नहीं रहा, इसे एक बार मार के देखे क्या मरता है या नहीं, इधर मर जाए यार ये देखो, बट मैंने इसके ऊपर इतने सारे अटैक करे और ये मर के राजी नहीं है, पता नहीं क्या ही चाहता है ये। तो यार मेरे ख्याल से ये मरने के मूड में नहीं है अभी, तो इसको छोड़ के कहीं और ही चलते हैं हम। तो यार हम उस स्केलेटन के पास से जस्ट हटे ही थे, और देखो मुझे क्या मिला भाई, तो बड़ी अजीब चीज है, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ एक बार। अब कहाँ गया, अभी तो यहीं था, कहाँ चली गई यार वो चीज, तो ये चीजें घूमती बहुत जल्दी है। और अभी ये क्या चीज है, अभी येलो येलो क्या ये, वो लॉयन भी है यार उसमें तो, और देखो भागने वाली एनिमेशन कितनी अच्छी, इसमें चढ़ क्यों नहीं पा रही, बड़ा पागल शेर है तो। ले भाई तेरे लिए मैं हटा देता हूँ सारे के सारे ब्लॉक, तू भाग जितना भागना उतना भाग, पानी में मत गिरियो बस। तो ये देखो यानी कि इसमें जैसे कि मैंने बताया था कुछ एक्स्ट्रा एनिमल्स है, यानी कि ये देखो शेर जो कि हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर तो यार होता ही नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से वॉइस ऑफ बगता जा रही है, यानी कि एकदम वाइल्ड लाइफ हम यहाँ पे अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दिन हो रहा है, और तुम्हें यार मैं अभी ये दिखा रहा हूँ एक बार, ये देखो मुझे नहीं पता यार सही में, आई रियली डोंट नो कि ये भाई सब करता क्या, ये अलग ही पोकेमोन टाइप का लग रहा है, और इसके पीछे पूछ पे ये फुटबॉल टाइप क्या दे रखी है इसकी, इस फुटबॉल पे एक बार मार के देखूंगा, टक टक टक। तो ये इसको मारने पे जिस तरीके की आवाज आ रही है मेरे को पक्का तो ये क्रीपर लग रही है, हमारे पास जाता ही फटेगा, बट अभी हम इस टाइम क्रिएटिव मोड में है तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो एक काम करते हैं सर्वाइवल में चल के देखे क्या। तो यार मैं नहीं जा रहा सर्वाइवल में, खाली पहले फोड़ पाड़ देगा मेरे को।
तो यार माइनक्राफ्ट के अंदर ये दिन के अंदर तो सारे के सारे अपने आप ही गायब हो जाते थे, बट ये देखो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इधर तेरे को मारूंगा मैं, पहले तेरे को टीएनटी से ही मारूंगा क्योंकि टीएनटी का भी हमने अभी चेक नहीं करा कि कैसे धमाके होते हैं। तो जल्दी जल्दी हम टीएनटी लगा देते हैं। एक तो यार ये हल्का सा भी टच हो जाए भगते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ज्यादा अभी दूर मची, अभी जलना यार जल्दी से। तो भाई सब मैंने एक्टिवेट कर दिया, अभी देखो फटेगा फटेगा सही जगह एकदम एक्जैक्टली खड़ा हुई मर गया। ओह तो इसकी जो एनिमेशन है ब्लास्ट वाली, एक बार तुमने वो नोटिस करी कि माइनक्राफ्ट से कितनी ज्यादा रियल है। तो ये रखा मैंने टीएनटी और इसके ऊपर रखूंगा मैं अपना ये रेडस्टोन, और एक बार ये देखो एक्टिवेट हो गया। अभी अब जब पास चला जाए उसके, और ये देखो कितना बढ़िया तरीके से एकदम ब्लास्ट होता है, एकदम ही भाई सब रियलिस्टिक वाली फायर निकलती है उसके अंदर से। तो यार ये चीज तो काफी अच्छी है। और एक सेकंड वो ये क्या है, और इतने नए नए एनिमल देखने को मिल रहा है। ये बकरा कहाँ से आ गया, चल भागते हैं ऐसे। ओ एक सेकंड, अभी हमें पिरामिड मिल गया। अभी ये क्या है, डेजर्ट पिरामिड कह रहा हूँ मैं से, ये है हमारा डेजर्ट टेम्पल जो कि माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा रेयर होता है, बट इसमें तो हमें इतना इजीली मिल गया है। तो यार एक बार तुम ये देखा कि हमारी कितनी अच्छी किस्मत है, फर्स्ट टाइम में ही हमें मिल गया है अपना पिरामिड। मैंने आज से पहले ये गेम कभी नहीं खेली, और देखो पहली बार में हमें पिरामिड मिल गया, वही पहले एपिसोड में। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, अभी रास्ता कहाँ से इसके अंदर जाने का। तो ये देखो कितना ज्यादा ह्यूज है यार ये साइज में, इसकी एंट्री कहाँ से है भाई साहब, टिकट विकेट तो लेनी पड़ेगी इसीलिए। पजल वगैरह दे रखी है, अभी गेम है क्या इसके अंदर पूरी की पूरी हमें फंसाने के लिए। ठीक है तो मेरे को इसका मिल गया रास्ता मिल गया, तो इसकी एंट्री यहाँ से है। और ये क्या है, तो यार इसके तो एनिमल अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी एक्सप्लोर करने के लिए। भाग जाए यहाँ से, अभी तेरे को नहीं लेना नहीं तो पूरी की पूरी वीडियो की टाइमिंग अकेला खा जाएगा। तो यार मेरे को पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, तो एक काम करते तोड़ देते हैं इसको सीधा। तो यहाँ से हमारे पिरामिड का रास्ता है और नीचे भी है क्या, ओ वाओ। तो एक बार ये देखो चेस्ट मिली, तो चेस्ट में हमारा ज्यादा काम का सामान तो नहीं है, खैर ठीक है काम चल जाएगा। और ये लीवर दे रखी है, एक सेकंड इसको ऑन करूंगा, वे मूव नहीं क्यों हो रही है। इसको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पड़ेगी, हो भी सकता है क्योंकि इस वाली गेम में हमें कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। तो अभी मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करता, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से एक पूरी वीडियो बनाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। टॉर्च की फ्लेम देखो एक बार कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है यार, मेरे को माइनक्राफ्ट से ज्यादा इसकी टॉर्च अच्छी लग रही है। कमेंट में जरूर बताना माइनक्राफ्ट वाली टॉर्च अच्छी है या फिर इस वाली गेम में जो हम टॉर्च देख पा रहे हैं अभी वो ज्यादा अच्छी है। मेरे को तो भाई साहब अगर रियलिटी बताऊं तो ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। तो फाइनली हम टेम्पल से तो निकल गए हैं, अब बाहर यार क्या ही करें, मेरे को कुछ लगता नहीं है दिखाने लायक अभी। और एक सेकंड ये है हमारा शेर, और ये क्या ही चीज देखी मैंने, एक सेकंड अबे काम गया। तो ये देखो ये है हमारा स्कॉर्पियो, वाओ। तो यार ये जो चीज है, ये चीज माइनक्राफ्ट में कभी देखने को मिलेगी, मैं कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, तो मतलब ये चीज क्या ही बना रखी है। तो मैं स्पॉट लेता हूँ इसको, मारना पक्का होता है। और खांगा इतने नकली तरीके से मरते क्या, मैंने सिर्फ दो हिट करे और ये मर गया। एक सेकंड मेरे को फिर से देखना मरते कैसे एनिमल। तो ये हमारी है बकरी बकरा जो भी मान लो, और एक ही हिट में खत्म। भालू, और एक दो तीन, हाँ इसमें पावर है जाने इसमें, तीन चार पाँच छः। यार बड़े नकली तरीके से मर रहे हैं सही में, इस चीज पे थोड़ा सा काम इनको करना पड़ेगा, और बाकी तो गेम ऑसम है। तो यार इस वाली वीडियो में आई होप इनफ चीजें मैंने दिखा दी, बल्कि ज्यादा चीजें दिखा दी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। और इस बच्चे का यार अगर तुम्हें गेम प्ले पसंद आया हो, अपने बात नहीं कर रहा इस वाले बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। तो आज की वीडियो को एक काम करते हैं, पेंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।